रोल ऑफ द पुलिस, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस क्या रोल प्ले करती है। रोल, वन ऑफ द मेन जॉब ऑफ द पुलिस इज टू अरेस्ट द समवन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, committing a crime. However, before a police make an arrest, a process must be followed. जब पुलिस किसी को किसी क्राइम में अरेस्ट करती है, किसी अपराधी को, तो कौन कौन से प्रोसेस फॉलो होते हैं वो बताए जा रहे हैं। If someone wants to report a crime, that person must file a first information report या FIR. अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कोई रिपोर्ट करानी है तो उस पर्सन को सबसे पहले FIR करानी होगी, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी सबसे पहले, जैसे एक छोटी सी बात, आप घर में आपस में भाई बहन झगड़ते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, निपटारा नहीं, मम्मी को आने तो बताते हैं, सबसे पहले आप मम्मी को वो बात बताते हो, बाद में वो बात पापा तक जाती है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर होती है कि सबसे पहले आपको एक छोटी बात उनको पुलिस पर रिपोर्ट करानी होगी कि आपके साथ इस दिन इस समय इन लोगों के साथ आपका ये विवाद हुआ। पूरी कहानी एक शॉर्ट में आपको FIR दर्ज करानी होगी, जो भी क्राइम आपके साथ हुआ। द FIR इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस ऑल द डिटेल्स ऑफ द क्राइम इंक्लूडिंग द डेट एंड द टाइम एंड द प्लेस, जो मैंने आपको बताया। FIR एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो सभी बातें होती है, यहाँ तक इसमें डेट, समय और जगह सब कुछ आपको क्राइम से रिलेटेड एवरीथिंग आपको वहां पर मेंशन कराना है। आप कितने लोग थे, आपके साथ कितने लोग थे, वो कितने लोग थे, आप क्या कर रहे थे, वो क्या करने आए थे, उन्होंने आपके साथ क्या किया, उस वक्त क्या बज रहा होगा। अप्रोक्स तो कोई घड़ी नहीं देख रहा था कि हाँ झगड़ा 4 बजे हुआ था, 4 बजे पाँच 4:15 में उन्होंने मुझे झापड़ मारा था, ऐसा नहीं करते। बट हम ये कहते हैं हमें उतनी वजह से अप्रोक्स टाइम के आप लगभग वहाँ पे टाइम जगह आपको पता ही होती है, वो आपको मेंशन करनी होती है वहां पर, करानी होगी। अब तो FIR भी ऑनलाइन होने लगी है। Once the FIR is filed, जब FIR filed हो जाएगी, the police can start investigating the crime. उसके बाद उसमें अपराध से संबंधित खोज, मतलब उसमें जगह पर जाना, देखना, सारा कुछ वो पुलिस करना शुरू करती है। They can arrest the accused. आपने जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है उनको अरेस्ट करती है पुलिस। कलेक्ट एविडेंस, तथ्यों को, यानी सबूत जो होते हैं उनको कलेक्ट करती है। द रिकॉर्ड स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेसेस, और किन लोगों ने उस वक्त आपको देखा, जो उस वक्त के गवाह होते हैं उनसे स्टेटमेंट लेती है। फिर इफ द पुलिस थिंक एविडेंस पॉइंट्स टू द अक्यूज, अगर पुलिस को लगता है कि जो सबूत है, जो तथ्य है, वो अपराधी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे वहां पर घड़ी मिली तो हाँ ये घड़ी किसकी है, अच्छा इसके, तो हुआ झगड़ा हुआ था तो गिर गई होगी, और भी कुछ निशान मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी जो उनका कहते हैं, उसमें अगर वो चीजें अपराधी की तरफ होती हैं कि वो सारा कुछ इशारा करते हैं, अच्छा ये इतने समय आया, इसने इसको कॉल किया। अब तो आप देख रहे होते हैं कि कॉल के थ्रू, इवन अब तो व्हाट्सएप पर भी हो गया है, अभी जल्दी रिसेंट वो आने वाला है अपडेट कि कौन किसे क्या मैसेज दे रहा है, एंड वॉट यू शेयर विद द अदर, आप कौन सा वीडियो, कौन सी चैट, कौन सी पिक, अभी तक क्या था, व्हाट्सएप पे हम कुछ भी शेयर करते थे, जैसे एफबी पर सब कुछ शेयर करते थे तो डाटा सेव नहीं होता था, बट अब व्हाट्सएप पर हो, एफबी पर भी होने लगा था, व्हाट्सएप पर भी होगा। अभी तक व्हाट्सएप सेव था, सिर्फ दो लोगों के बीच की बात थी, तो तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होता था। अब आपकी सारी बातें व्हाट्सएप का जो सर्वर है वहां पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्राइम से रिलेटेड बातें होंगी, मान लीजिए आपने क्राइम के थ्रू किसी को कुछ मैसेज किया, तो वहां से आपकी वो एक क्राइम की सेफ्टी में आ जाएगा अगर देखा जाए। फिर पुलिस वहां से डाटा निकलवा के उसको चेक कर सकती है कि इस बंदे ने लास्ट मैसेज किसको क्या किया। अभी बहुत जल्दी रिसेंट आने वाला है अपडेट, आई थिंक 8 फरवरी की डेट बता रहे हैं, तो उसमें ये फायदा है। तो उसी तरह इसमें भी होता है कि अपराधी की किससे बात हुई, किससे लास्ट कॉल हुई, सारा कुछ वो लोग, अगर अपराधी की तरफ पॉइंट आउट जा रहा है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, उसके बाद एक कोर्ट में वो फाइल करते केस को पुलिस कि ये अपराधी साबित होता है, इसके खिलाफ ये सबूत हमें मिले हैं, प्रूफ के साथ एक चार्जशीट हम कोर्ट में पुलिस दायर करती है। तो
सॉरी दो द पुलिस हैव अ पावर टू अरेस्ट समवन, इफ यू आर पुलिस के पास जबकि पुलिस के शक्ति होती है, उसको अधिकार दिया जाता है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है. दे कैन नॉट डिसाइड वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, बट वो किसी को ये नहीं कह सकती कि वो अपराधी है या नहीं है. गिरफ्तार तो मान लीजिए अगर आप झगड़े में वहां थे, ओके कभी कभी ऐसा होता है छोटे मोटे झगड़े हो रहे होते हैं और आप वहां खड़े थे और जिस दो पार्टी में झगड़े हो रहे हैं, अकेला तो हो नहीं रहा होगा, आप एक पार्टी के पक्षधर हैं या फिर कुछ दो शब्द भी वहां बोले दूसरे के खिलाफ और जिसने एफआईआर कराई, मान लीजिए सामने वाली ए और बी पार्टी, आप ए पार्टी के पक्ष, आप ए पार्टी की तरफ से हैं, आपने ए की तरफ से बी को दो बातें कुछ जनरल से भी बोली है, यही बोला है छोड़ो झगड़ा मत करना, और उस बंदे को आपसे एक रिवेंज लेना है या आपके पास बदनाम करना है या आपको बदला लेना है, तो वो आपका नाम एफआईआर में डलवा सकता है कि इन्होंने भी वहां पर मुझे खड़े होकर छापड़ मारा था या मुझे पत्थर मारा था, कुछ भी वो कह सकता है वहां पर एफआईआर में. तो पुलिस आपको जब एफआईआर के तर्ज पे गिरफ्तार करने आएगी तो आपको भी गिरफ्तार करेगी. ए पार्टी के जितने मेंबर होंगे वो सारे गिरफ्तार होंगे. हाँ, बट कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपने झापड़ मारा या नहीं मारा, आप गिल्टी हो या नहीं. ओके, इस पॉइंट पे ये बताया जा रहा है. द पुलिस मस्ट फॉलो द रूल ऑफ लॉ. सबको पता है रूल ऑफ लॉ क्या होता है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के सामने सब इक्वल है. पुलिस रूल ऑफ द लॉ फॉलो करती है, विच एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ है. द पुलिस कैन नॉट वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स. पुलिस आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, मतलब आपके बोलने का अधिकार, आपकी फ्रीडम का अधिकार, मतलब आप तो अपनी भाई आजाद होने के लिए आप के बोलोगे, आप किसी से सलाह मांगोगे, वकील करोगे, ये जो अधिकार है आपके अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जो भी कुछ है, ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जितने भी, उनके खिलाफ वो कुछ भी नहीं करेंगे. इवन इफ यू आर एक्यूज्ड इन अ क्राइम, अगर आप अपराधी हैं फिर भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन, आपके जीने का अधिकार या आपको जो भी कुछ आपके छह अधिकारों में आते हैं जितने भी राइट्स, उनके लिए उनके खिलाफ पुलिस नहीं जाती है. द पुलिस हैव टू इन्फॉर्म द पर्सन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड प्रेजेंट एंड अक्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. पुलिस जो है उस पर्सन को इन्फॉर्म करती है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, समय जब गिरफ्तार करने जाते हैं तब उसको इन्फॉर्म करती है कि हम आपको गिरफ्तार करने, एंड शुड प्रेजेंट दैट, और उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने के लिए, मतलब अगर गिरफ्तार कर लिया तो भी 24 घंटे के अंदर सबसे पहले उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा. ओके, दे कैन नॉट टॉर्चर एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और व्हेन द अक्यूज्ड इज इन जेल. वो जो व्यक्ति है जेल में, उसको जो अपराधी, उसको टॉर्चर नहीं कर सकती है, जबकि ऐसा होता बहुत कम है, रूल है बट कि टॉर्चर नहीं करना है. जब वो खोज के दौरान जेल में है या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब कर रहा होगा, पुलिस कर रही होगी, खोज कर रही है उस अपराध से संबंधित, तब वो किसी व्यक्ति को, अपराधी को टॉर्चर नहीं करेगी. टॉर्चर का मतलब आप समझ रहे हो कैसा. और जब वो बंदा जेल में है तब भी, कि सच बोलो जैसा कि पिक्चर मूवीज में दिखाते हैं, बट ये रूल के खिलाफ है. If the accused confess, if the accused confess to the crime at a police station, अगर जो accused है वो confess कर लेता है अपना crime कि हाँ मैंने ये सब अपना जो गुनाह है उसे कबूल कर लेता है police station में, such confession cannot be used as the evidence against the accused. तो उस कन्फेशन को, उस कबूलनामे को एक तथ्य के रूप में, सबूत के तौर पर अपराधी के खिलाफ यूज नहीं किया जाएगा कि उसने पुलिस स्टेशन में कबूल किया था कि उसने ऐसा किया है, तो आप उसको सबूत बना के मजिस्ट्रेट में या कोर्ट में आप दिखा दो कि देखिए मैंने कबूल कर लिया, तो वो नहीं माना जाएगा. हो सकता है उसको दबाव में आपने किया हो. This is because no one would know if the accused was forcibly made a confess
द क्राइम बाय द पुलिस। हो सकता है जो मैंने कहा कि पुलिस जो अक्यूज है वो कोर्ट में आकर दबाव में आकर उस पुलिस के सामने उस बात को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो ये चीज है कि उन्हें उस सबूत को माना नहीं जाता है। फिर आता है आपका विदिन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर पुलिस मस्ट अलाउ द अक्यूज टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव और अ फ्रेंड। पुलिस को 12 घंटे के अंदर, पुलिस बार मतलब गिरफ्तार होने के 12 घंटे के अंदर अलाउ करती है पर्सन को, अपराधी पर्सन को, कि वो अपने रिश्तेदार को या फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दे। वुमेन एंड चिल्ड्रन यंगर देन 15 then age of 15 cannot be called to a police station for questioning especially after 6 PM। ये बात गर्ल्स जान लें। औरतें और वो बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के हैं, ओके बॉयज मतलब बच्चों के लिए है ये बात, जो 15 साल से कम के हैं, इस बात को जान लें कि उनके लिए ये रूल है कि उन्हें कभी भी पुलिस cannot be called to a police station, उन्हें कभी भी पुलिस स्टेशन बुलाया जैसे जाता है आपका क्वेश्चनिंग के लिए, क्वेश्चन करने के लिए 6 बजे के बाद उनको अलाउ नहीं होंगे। कि अगर आपको कभी सचूट किसी को ना जाना पड़े, ये अच्छी जगह नहीं होती है, बट कभी अगर 6 बजे शाम के बाद कॉल आती है कि आपको उसी वक्त स्टेशन आना है पूछताछ करने के लिए, तो ये अलाउ नहीं है, रूल के खिलाफ है कि 6 बजे के बाद तो ही लिखा। अब आप मुझे सबूत दीजिए कि हाँ कहाँ पर लिखा हुआ, वैसे तो मुझे पता है कि 6 बजे के बाद हम लेडीज या बच्चों को पुलिस स्टेशन आना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये है रूल। अब आपको यहाँ पर एक केस स्टडी दी जा रही है। मिस्टर राव ओन्स अ गारमेंट शॉप इन द सिटी। वन मॉर्निंग ही सॉ हिज कैश बॉक्स वाज ब्रोकन एंड हिज मनी वाज गॉन। मिस्टर राव सस्पेक्टेड अ मैन नेम्ड विजय हु वर्क्ड एज अ सेल्समैन इन हिज शॉप। He knew Vijay had a key to the shop and he knew about the money. Mr. Rao went to the police station to file an FIR. The police sub-inspector recorded Mrs. Rao's statement in the FIR. After the FIR was filed, the police started investigating the case. मतलब पुलिस जो राव है वो कपड़े की दुकान के व्यापारी है, कपड़े की दुकान के मालिक है। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी दुकान का जो पैसा है उसका जो तिजोरी है वो टूटी हुई है, तो उनको शक होता है कि विजय है वो उसके पास दुकान की चाबी रहती थी और वो पैसों के बारे में जानता था, उसी ने चुराया है। तो उन्होंने विजय के खिलाफ FIR कराई और सब इंस्पेक्टर ने उस FIR को दर्ज किया और केस के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। द पुलिस वेंट टू द क्वेश्चन विजय एट हिज होम, क्वेश्चन करने उसके विजय के घर गई अकंपेंड बाय मिस्टर राव। मतलब मिस्टर राव के कहने पर वो उनके घर जाकर उसने क्वेश्चन किया। द पुलिस टोल्ड विजय अबाउट द थेफ्ट, चोरी के बारे में विजय को बताया एंड दैट मिस्टर राव सस्पेक्टेड हिम, और ये बताया कि मिस्टर राव को तुम पर शक है कि पैसे तुमने चुराए हैं। विजय वाज टू शॉक्ड टू रिएक्ट, विजय ने बहुत चौंकने वाला सा रिएक्ट दिया। द पुलिस सर्च हिज हाउस एंड फाउंड द सील्ड एनवेलप विद अ लॉट ऑफ मनी। पुलिस ने उसको उसके घर से पैसों का सील पैकेट मिला जो मैट्रिक्स के अंदर, जो गद्दे के अंदर छुपाया हुआ था। विजय pleaded with the police and Mr. Rao that he had not stolen the money but earned it after selling a small plot of land in the village। उसने कहा ये पैसे उसने चुराए नहीं है, ये उसको गांव में जमीन बेचने, एक छोटी सी जमीन बेची है, ये वो पैसे हैं जो उसने वहां से मिले हैं। नीदर द पुलिस नॉर द मिस्टर राव, मिस्टर राव पुलिस इस बात को सुनने के लिए नहीं तैयार थे क्योंकि दे हैड एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उनको उसके खिलाफ पैसा मिला था, मतलब उसके खिलाफ सबूत मिल गया था, वो पैसा मिला तो उन्हें शक गया उसी पर। फिर द सब इंस्पेक्टर अरेस्टेड विजय एंड लुक एंड टूक हिम टू द जेल, उसको उन्होंने अरेस्ट किया और जेल ले गए। विजय के फादर ने बहुत रिक्वेस्ट की पुलिस से कि टू लेट विजय, सॉरी विजय फादर प्लीडेड विद द पुलिस टू लेट विजय गो बट दे वुड नॉट लिसन टू हिम। उन्होंने उसको रिक्वेस्ट की उसको ना ले जाए बट वो उसको फिर भी उन्होंने सुना लिया और ले गए। द पुलिस आस्क्ड हिज फादर टू हायर अ लॉयर, पुलिस ने उनको कहा कि आप एक लॉयर हायर कीजिए विजय की तरफ से।
बट विजय फादर डिड नॉट हैव द मनी, क्योंकि विजय के फादर के पास पैसे नहीं थे. द नेक्स्ट टू वीक्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर द विजय, दो हफ्ते विजय के लिए बहुत ज्यादा कठिन आई पूर्ण थे. द पुलिस बीट हिम टू मेक हिम कन्फेस हिज गिल्ट, क्योंकि पुलिस ने उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा था कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले. आफ्टर अबाउट थ्री वीक्स द पुलिस हैड अ चार्जशीट, और तीन हफ्ते के अंदर आफ्टर अबाउट थ्री वीक्स के उसमें द पुलिस फाइल्ड अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट टू ट्राई द केस इन कोर्ट, और उन्होंने तीन हफ्ते में मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट दायर कर दी पुलिस ने केस के खिलाफ. द पुलिस गेव अ कॉपी टू द चार्जशीट टू विजय एज वेल, और पुलिस ने उस चार्जशीट की एक कॉपी विजय को भी दी जो उन्होंने वहां पर दायर की थी. 35 हो गया. अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु अरेस्टेड विजय और व्हाई. सब इंस्पेक्टर पुलिस अरेस्टेड द पुलिस अरेस्टेड द पुलिस अरेस्टेड विजय बिकॉज़ दे फाउंड एन एविडेंस उसको अपराधी पाया था चोरी करने के लिए. ओके, व्हाई डिड मिस्टर राव हैव अ फाइल एफआईआर बिफोर द पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस, उन्होंने मिस्टर राव ने एफआईआर क्यों दर्ज कराई थी बिफोर पुलिस इन्वेस्टिगेशन. बिफोर बिकॉज एफआईआर, क्योंकि उन्हें उस पे सस्पेक्ट था, क्योंकि वो शक कर रहे थे शायद इसी ने चोरी किए थे, पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई. व्हाट एक्शन डिड द पुलिस टेक इन द केस, पुलिस ने कौन सा एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज की उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद क्वेश्चन किया और उसके घर की तलाशी ली, उसके बाद उसको जेल ले गए और एविडेंस पाने पे उसको जेल लेके गए और उसकी चार्जशीट डाल दी. हां, हाउ डिड द पुलिस ट्रीट विजय, विजय को पुलिस ने कैसे ट्रीट किया. दे नॉट ट्रीटेड, दे ट्रीटेड वेरी बैडली, उन्होंने सिर्फ उसको पीटा था, उसके साथ टॉर्चर किया था, ठीक है, अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, जबकि अलाउ रूल है कि बंदे को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं. इज दिस हाउ द पुलिस शुड बिहेव विद अक्यूज, इफ नॉट हाउ शुड दे बिहेव.